Good morning, everyone. Today, I am going to explain the third chapter of Flamingo, that is Deep Water. आज का हमारा जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग इट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द राइटर. राइटर के बारे में बताने जा रही हूँ, विलियम डगलस. विलियम डगलस का बर्थ जो है वो मेन मिनेसोटा में हुआ. ग्रेजुएशन जो है उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से की. टू इयर्स टीचिंग में स्पेंड किए उसने. याकिमा में ही वो टीचर थे. जब वो काफी फेडअप हो गई, काफी टायर्ड हो गई इससे, तो उन्होंने ही परस्यू ए लीगल करियर. एक लीगल करियर जो है वो चूज किया. और विलियम डगलस जो थे वो एक लीडिंग एडवोकेट रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स के लिए. और उनका ये लेसन जो है, इन दिस लेसन ही टेल्स अस अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. उन्होंने अपने वाटर को लेके जो उनका डर था उसे शेयर किया गया है. एंड ऑल्सो ही टोल्ड अस हाउ ही फाइनली ओवरकेम दिस फियर, और उस फियर को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, उन्होंने इसमें ये भी एक्सप्लेन किया. ओके, सी द चैप्टर. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें जो है ऑटोबायोग्राफिकल टच है. पोएट ने सॉरी राइटर ने जो है वो फर्स्ट पर्सन के तौर पे लिखा है. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. राइटर ने कहा है कि जब वो ओनली 10 और 11 ईयर के थे तो उनके डिजायर थी स्विमिंग सीखना. देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा. कहता है याकिमा में YMCA पे एक पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. कहता है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था वो पूल. कोई भी अगर स्विमिंग सीखना चाहता है तो शायद उसके लिए बेस्ट था. नाउ द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. YMCA जो है वो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. ओके, द याकिमा रिवर वॉज टीचरस. कहता याकिमा रिवर जो थी वो बहुत ज्यादा हॉरिबल थी, डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट. कहता माय मदर कंटिन्यूली, कहता लगातार वो मुझे इसके लिए वार्न करती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर बट द YMCA पूल वाज सेफ. कहता याकिमा रिवर के बारे में मेरी मदर की हमेशा यही राय थी और हमेशा वो लेटेस्ट नॉलेज के हर डूबने वाले के बारे में मुझे बताती जाती थी. लेकिन YMCA पूल जो था वो काफी सेफ था. इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द शेलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है. जो YMCA पूल जो था ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह था. ये राइटर ने इसको जो है वो बेस्ट माना है स्विमिंग सीखने के लिए. क्यों? इसके पीछे रीजन था क्योंकि वो एक एंड से जो है ओनली 2 or 3 feet डीप था, बल्कि ग्रेजुअली जो इसकी डेप्थ थी वो बढ़ रही थी और दूसरे सिरे से इसकी डेप्थ जो थी वो 9 feet तक थी. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. कहते मैंने वाटर विंग्स लिए और पूल पे चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. कहते मुझे काफी हेट थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी दुबली पतली सी टांगे कोई देखे और मैं इसमें नेक बिल्कुल विदाउट क्लॉथ जाऊं. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. कहता लेकिन फिर भी मैंने ये मेरी जो प्राइड थी इसको थोड़ा कंट्रोल किया, इसको दबा दिया, रिसिस्ट किया एंड डिड इट. और मैंने स्विमिंग सीखने के लिए मुझे पता था कि मुझे नेक वहां पे जाना होगा. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर. अवर्सन इट मीन्स डिसलाइक. स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लगा पानी में जाना. When I was in it, कहते जब भी जाता था तो मुझे थोड़ी डिसलाइक थी. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. कहते एक्चुअली ये डिसलाइक क्यों थी, मुझे पानी से हेट क्यों थी, इसके पीछे भी एक रीजन था. जब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था उस टाइम, कहते मेरे फादर मुझे जो थे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए. He and I stood together in the surf. कहते मैं और मेरा फादर दोनों ही सर्फ पे साइड में जो लहरें होती हैं बीच पे, कहते वहां पे खड़े थे. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. कहता हालांकि मैंने अपने फादर को अच्छे से पकड़ रखा था, but waves knocked me down. कहता लेकिन waves ने फिर भी मुझे गिरा दिया, swept over me. कहता और मेरे ऊपर से निकल गई. I was buried in water. बरी दफन होना या दफनाना किसी को. I was buried in water. I was underwater. My breath was gone. I was frightened.
father laughed, but there was terror in my heart at overpowering force of the waves. कहता no doubt मैं पानी के नीचे था लेकिन मेरे फादर हंस रहे थे. There was terror in my heart. कहता उस टाइम मेरे मन में जो वेव्स की जो फोर्स थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, कहता उससे मैं बहुत ज्यादा डर गया. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stayed childish fears. कहता इसलिए जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल पे जाने लगा, it revived the unpleasant memories of past. कहता वो 3-4 साल का जब मैं था और वही मेमोरीज जो थी वो रिवाइव होगी पानी को देखते. But in a little while I gathered confidence. कहता but I gathered confidence. I paddled with my new water wings. Watching the other boys and trying to learn by aping them. Ape, नकल करना किसी की. कहता मैंने दूसरे बच्चों को देखा, दूसरे बॉयज को देखा जो वहां पे स्विमिंग सीख रहे थे. उनको देखते मैंने भी अपने वाटर विंग्स का यूज किया और पानी में उतरा. आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेट्स. कहता अलग अलग दिनों में 2-3 बार मैंने रिपीट किया इसको. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. कहता बिफोर अनदर मिस एडवेंचर happened, I was feeling easy. कहता हालांकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था पानी के साथ, अपना पीछे वाला डर थोड़ा भूलने लगा था, लेकिन न्यू मिस मेरे साथ एक नई मिस एडवेंचर कुछ नया घटा. I went to the pool when no one else was there. कहता one day I went to the pool and when I reached there nobody was there. The place was quiet, the water was still. And the tiled bottom was as white and clean as a bath. कहता everything was still there, everything was calm there. Water was also neat and clean. Even the bottom area, जो water का जो नीचे का तल जो था उस pool का, वो भी कहता वो tiled floor, it was completely clear. I was timid about going in alone. कहता लेकिन अकेला होने की वजह से मैं पानी में नहीं गया, because I was afraid. So I sat on the side of the pool to wait for others. कहता so I sat there. And I started to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. कहता बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे वहां पे बैठे हुए. Suddenly a big bruiser of a boy. कहता जो काफी हेल्दी हो, जिसकी काफी अच्छी मसल्स हो. कहता एक ऐसा लड़का वहां पे आया. Probably 18 years old. Students, you have to learn this also. Probably 18 years old. कहता he was near about 18 years. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. कहता उसकी muscles, उसकी arms, उसकी legs की जो उसकी muscles जो है वो बहुत अच्छी थी. Beautiful physical specimen, एक बहुत अच्छा structure था उस लड़की का. He yelled. कहता when he came near to me, he yelled. He cried. वो एकदम से चिल्लाया. Hi skinny. How would you like to be ducked? Ducked होता है पानी में गोता लगाना. कहता तुम क्या पसंद करोगे पानी में गोता लगाना? With that he picked me up and tossed me into the deep end. Tossed it means threw. कहता इतना कहते ही कि मुझे तो सोचने का मौका ही मिला. कहता इतना कहते ही उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया. I landed in a sitting position. कहता मैं जैसे sitting position में था उसने as it is मुझे उठाया और पानी में फेंका. Swallowed water. कहता जैसे ही पानी में sitting position में गया. Swallowed water and went at once to the bottom. कहता पानी मेरे अंदर जाने लगा and I went towards the bottom. पानी के नीचे जाने लगा. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. कहता no doubt मैं डर गया था, but not yet frightened out of my wits. कहता लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग ना काम करे. कहता it means out of my, I was not out of my wits. मेरा माइंड जो है properly working में था. On the way down I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. Yes, students say this. What was his planning? उसकी planning क्या थी जैसे ही वो पानी के अंदर जाने लगा? तो उसकी planning थी when his feet hit the bottom. कहता जैसे ही bottom को मेरे पाँव touch करेंगे, I would make a big jump. कहता मैं वहाँ पे जोर से पाँव मारूंगा ताकि मैं ऊपर की ओर आ सकूँ. कम टू आर सरफेस. कहता इस तरह से मैं ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट. कहता पानी के ऊपर आते ही मैं बिल्कुल बॉडी को फ्लैट कर लूंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और पैडलिंग करके मैं पूल के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाऊंगा. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. कहता व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम
इट सीम्ड ए लॉन्ग वे, तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कहता वो 9 फीट की जो डिस्टेंस थी मुझे 90 लग रही थी उस टाइम। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, कहता और इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंचता मेरे लंग्स जो थे दे वर रेडी टू बस्ट, कहता बिल्कुल फटने को तैयार होते थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, हियर समंड मीन गैदर्ड, कहता वेन आई रीच्ड देयर एट द बॉटम, कहता जैसे ही बॉटम में पहुंचा बिल्कुल नीचे तक पहुंचा पानी के, आई गैदर्ड माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग आउटवर्ड, स्प्रिंग इट मीन्स जम्प, मतलब मैंने ऊपर की ओर जंप लगाना। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक, कॉक समझती हो, कॉक होता है जैसे किसी बोतल वगैरह का ढक्कन होता है। तो इसने कहा कहता आई इमेजिन, मैंने इमेजिन किया कि इस तरह से जंप लगा के बिल्कुल कहता है एक बोतल का जो खाली ऊपर का ढक्कन होता है उसकी तरह से मैं बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, कहता लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट हुआ। आई केम अप स्लोली, कहता पानी के ऊपर में बहुत धीरे से आया, धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचा। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, कहता व्हेन आई ओपन माई आईज इन साइड द वाटर आई सॉ नथिंग, देयर वॉज ओनली वाटर, वाटर दैट हैज अ डर्टी येलो टिंच, कहता एक ऐसा पानी जिसमें हल्का येलो, बाहर से वो मुझे पानी बिल्कुल साफ लग रहा था, कहता लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाके मैंने आंखें खोली कहता बिल्कुल मुझे लगा कि इट वॉज डर्टी येलो टिंच, एक हल्का येलो कलर जो है वो दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकली, कहते हैं बहुत डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, बाहर आने की कोशिश की, कहते ऊपर तक आया तो मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे सहारा मिले जैसे कोई रॉप मेरे हाथ में आ जाए, कहते लेकिन अगर हाथ बढ़ाता था तो सिर्फ पानी था चारों तरफ। आई वॉज सफोकेटिंग, कहता आई फेल्ट सफोकेशन, पानी की वजह से सफोकेशन फील हुई। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, चिल्लाना चाहा तो आवाज भी गले से बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, कहता एट लास्ट मैं ऊपर तक पहुंच तो गया, मेरी आईज बाहर आ गई, नोज बाहर आया, लेकिन मेरा माउथ जो था वो अभी भी पानी के अंदर था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चॉक्ड, कहता पानी के मैं ऊपर था स्वेलोड लेकिन फिर भी पानी मेरे मुंह के अंदर जा रहा था, एंड चॉक्ड कहता जिसकी वजह से मेरा गला जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। I tried to bring my legs up, मैंने कोशिश की कि मेरी legs भी पानी से बाहर आए, but they hung as dead weights, कहता लेकिन legs ऐसी हो चुकी थी जैसे बिल्कुल जो है वो dead हो चुकी हूँ, paralyzed, rigid, कहता बिल्कुल stiff थी, rigid थी, वो अपनी जगह से move ही नहीं करना चाहती थी, जैसे कि paralysis हो जाने से body move नहीं करती, पता ही नहीं चलता, तो बिल्कुल वैसे। A great force was pulling me under, कहता शायद कोई great force जो थी वो मुझे पानी के अंदर दोबारा खींच रही थी। I screamed, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हियर्ड मी, कहता लेकिन वहां पे सुनने वाला कोई नहीं था, ओनली देयर वॉज वॉटर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कहता अगेन आई स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स द बॉटम। आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, कहता आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, कहता जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था पानी से स्ट्रगल करते हुए एक्सपेंडिंग माय स्ट्रेंथ, कहता कोशिश कर रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ को मैं एक्सपेंड कर सकूं। एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, कहता बिल्कुल वैसे जैसे मान लो कोई बहुत हॉरिबल ड्रीम देखते हैं तो सपने में ही हम उससे स्ट्रगल करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है बॉडी पे दिखाई देता है, कहता बिल्कुल वैसे ही उस पानी से मैं स्ट्रगल कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, कहता लगभग सांस मेरी उखड़ चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, लंग्स जो थे पेन फील कर रहा था उनमें भी। माई हेड थ्रॉप्ड, सिर भारी हो चुका था। आई वॉज गेटिंग डिजी, कहता इवन तक कि मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेचिंग, कहता लेकिन वो प्लानिंग जो स्ट्रेचिंग मेरी पहले वाली थी वो मुझे अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, कहता सेम स्ट्रेचिंग जैसे ही बॉटम पे पहुंचूंगा उसे जोर से हिट करने के बाद जो है मैं कहां पे आऊंगा, सरफेस पे लाइक ए कॉर्क। I would lie flat on the water, उसके बाद flat हो जाऊंगा, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Same strategy repeated here. Okay? I went down, down endlessly. कहता दोबारा से नीचे जाने लगा और ऐसा लगा कि जैसे कोई एंड ही नहीं है स्कूल का। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. कहता दोबारा से आंखें खुली लेकिन वही येलो ग्लो येलो कलर दिखाई दे रहा था।
डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कहते इतना डार्क कि उसके अंदर से ऐसा लग रहा जैसे वाटर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एंड देन शी स्टार्ट टेरर सीज मी, कहता है फिर एक अजीब सा डर जो था उसने मुझे कवर कर लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कहता है एक ऐसा डर जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कहता है स्पेशली एक ऐसा डर जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसका कि ऐसा एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज जिसने कभी जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है डर के मामले में वो उस डर को समझ भी नहीं सकता. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, कहते हैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, तो पानी के नीचे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर चुकी है, पैरालिसिस हो चुका है मुझे. स्टिफ रिजिड विद फियर, कहता माई बॉडी वॉज कंप्लीटली रिजिड विद फियर. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, कहता इवन तक की गले की जो चीखें थी आवाज थी वो भी बंद हो चुकी थी, फ्रीज हो चुकी थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कहता जस्ट इट वॉज क्लियर दैट आई वॉज अलाइव ड्यू टू माई हार्ट बीट, कहता हार्ट की वजह से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी जिंदा. हेड का जो भारीपन था वो बता रहा था कि अभी भी जो मेरी सांस चल रही है. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कहता अगेन थर्ड टाइम आई थॉट दिस कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा आई मस्ट जंप. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, कहता दोबारा से टाइल्स फील हुई. माई टॉस रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, कहता पाम ऐसे लगे उनके साथ जैसे कि उन टाइल्स को पकड़ना चाहते. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई हैड मींस विद फुल स्ट्रेंथ आई ट्राई टू जंप बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कहता स्टिल नो डिफरेंस वॉज देयर. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी तो अभी भी चारों ओर था. आई लुक्ड फॉर रॉक्स लैडर्स वाटर विंग्स, कहते मैंने कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले कोई ऐसी चीज जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं, लाइक रॉक लैडर और वाटर विंग्स. नथिंग बट वाटर, कहता बट देयर वॉज ओनली वाटर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कहता दैट येलो वाटर कंट्रोल्ड मी. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कहता वो एक डर जो था उसकी होल्ड मुझ पे और ज्यादा जो है मजबूत हो रही थी. Like a great charge of electricity, कहता एक electricity के charge की तरह से. I shook and trembled with fright, कहता now I was trembling with fear. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. और जैसा होता है ना कि जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कुछ भी हो जाए तो मदर पहले ही याद आती है. तो राइटर को यहाँ पे कहता कि मैं चाहता था कि मुझे हेल्प मिले, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाना भी चाहता था. बट आई वॉन्ट टू कॉल फॉर माई मदर, कहता बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, कहता इट्स रियली स्ट्रेंज. देन आई फेल्ट लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवफुल येलो वाटर, कहता फ्रॉम दैट स्ट्रेंज येलो वाटर आई फेल्ट आई वॉज कमिंग आउट, मुझे लगा शायद मैं बाहर आ रहा हूँ. At least my eyes were, कहता कम से कम मेरी आईज बाहर आए. My nose was almost out too, nose भी लगभग बाहर था. Then I started down a third time, कहता तीसरी बार मैंने नीचे जाने की कोशिश जाना जो है वो स्टार्ट कर दिया. I sucked for air and got water, कहता मैंने कोशिश की सांस लेने की कि मुझे हवा मिले, but I got only water there. The yellowish light was going out, कहता वो येलो लाइट जो थी वो गायब होना शुरू हो गई. Then all effort ceased. Ceased it means stopped. Then my struggle stopped there. My all effort stopped there. I relaxed. कहता मैंने खुद को relax feel किया. Even my legs felt limp. कहता even तक कि legs जो थी वो बिल्कुल जो है ऐसे था कि जैसे वो move ही नहीं कर रही. And a blackness swept over my brain. कहता अब तो brain ने भी काम करना बंद कर दिया. Complete blackness was there. It wiped out fear. कहता लेकिन उस ब्लैकनेस की वजह से जो माइंड में डर था वो भी वाइप आउट हो गया, इट मींस वहां से गायब हो गया. इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस,
tender arms around me, tender arms like my mother's. Now I must go to sleep. कहता और लास्ट में मुझे ये लगा कि शायद मेरा डर गायब हो चुका है. कोई डर नहीं था वहां पे, सिर्फ एक ग्रॉसीनेस थी, एक भारीपन सा, जैसे कि मुझे नींद आ रही हो. और नो नीड टू जंप, कहता अब तो जंप लगाने की भी जरूरत नहीं थी. मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे जो है बहुत प्यार से जो है वो हक कर लिया, जैसे कि मेरी मदर मेरे साथ होती थी. एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे लगा कि शायद मैं सो रहा हूँ. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, इट मीन्स जीरो. कहता मैंने उस जीरो को क्रॉस कर लिया था. मुझे लगा कि मेरा एंड जो था, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मेरी लाइफ का कर्टन जो है वो गिर चुका था. इट मीन्स मेरी लाइफ का लास्ट चैप्टर मुझे लगा कि ये क्लोज हो चुका है. The next I remember, I was lying on my stomach beside pool vomiting. कहता but when I got conscious. कहता जैसे ही मैंने consciousness gain की, I felt myself on the side of the pool. कहता मैं pool की एक side पे था. And vomiting. कहता मेरे मुंह से जो है पानी बाहर निकल रहा था. The chap, here chap mean that boy. वो लड़का जिसने उसे जो है पानी में गिराया था. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. कहता मेरे कानों में सिर्फ यही आवाज पड़ रही थी कि वो लड़का बोल रहा है कि मैं just joke, मजाक में मैंने इसे फेंका था. Someone said, the kid nearly died. लेकिन किसी दूसरे ने उसे रिप्लाई किया कि तुमने मजाक किया था लेकिन ये लड़का मर सकता था. Be all right now. कहता चलो लगभग सब कुछ ठीक है. Let's carry him to the locker room. Locker room, यहाँ पे locker room का मतलब जो है changing room, यहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है. कहता चलो इसे उठा के जो है वो लॉकर रूम में ले चलते. Several hours later, I walked home. कहता कई घंटों के बाद मैं घर चला गया. I was weak and trembling. कहता still the fear was in my mind. I was weak. I was trembling. I shook and cried when I lay on my bed. कहता जैसे ही मैं बेड पे लेटा तो मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. I couldn't eat that night. कहता मैंने खाना भी नहीं खाया उस रात. For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक एक अजीब सा डर जो था वो मेरे मन में था. The slightest exertion upset me. कहता एक हल्की सी मूवमेंट जो थी मैं अपसेट हो जाता उससे. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. कहता पूरी की पूरी बॉडी जो थी वो उससे ट्रेम्बल करना शुरू कर दी थी. I never went back to the pool. कहता दोबारा मैं कभी भी पूल पे नहीं गया. I feared water. I avoided it whenever I could. Even तक कि राइटर ने कहा है कि तब मुझे पानी से इतना डर लगने लगा कि जितना मैं हो सकता था इसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगा. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों के बाद कहता दोबारा से मुझे Cascades के waters के बारे में पता चला और मैं भी चाहता था कि मैं उस पानी में जाऊं. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. कहते लेकिन कहीं पे भी, चाहे वो कास्केड वाटर्स थे, टाइटॉन, बम्पिंग रिवर या किसी वार्म गॉड रॉक्स की जो वार्म लेक थी वहां पे बेदिंग करना. कहता कहीं भी जाता लेकिन वो पूल वाला डर जो था कहता वो मुझे परस्यू कर रहा था. वो लगातार मेरे पीछे चल रहा था. वो हर जगह पे वो मेरे पास पहुंच जाता. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. पोजेशन ऑफ इट मीन्स कंट्रोल्ड. कहता दैट फियर कंट्रोल्ड मी कम्प्लीटली. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. कहता जैसे ही पानी में उतरने की कोशिश करता तो एक आईसी हॉरर जो था वो मुझे हार्ट को कंट्रोल कर लेता. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. साल बीतते गए लेकिन ये हैंडीकैप जो थी, ये डर जो था वो मेरे साथ रहा. इन कैनॉइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मोन. कहता चाहे वो कहीं पे बोटिंग करना हो या फिर सैल्मोन फिश जो है उसको पकड़ने जाना हो. बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. कहता है न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग हो जाए. ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेसर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन. Fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. कहता चाहे वो कोई भी जगह हो, मैंने हर जगह पे जाके देखा लेकिन पानी का वो डर जो था वो मेरे दिमाग से, मेरे मन से जो है वो नहीं निकला था.
इट रुइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, कहते मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स जो थी ये स्पॉइल हो चुकी थी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कहता और मेरी हर तरह की जो एंजॉयमेंट थी वो खत्म हो चुकी थी। इट मीन्स कि वाटर रिलेटेड एडवेंचर्स जो है वो खत्म हो चुकी थी राइटर की। इट रुइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, स्टूडेंट्स लिसन दिस। अब उसने दोबारा से भी स्विमिंग करने की सोची थी। अब किस वजह से सोची थी? क्योंकि इस पानी के डर की वजह से उसके बहुत सारे एडवेंचर्स जो थे वो खत्म हो चुके थे। जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग इज देयर, स्विमिंग इज देयर। ओके, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई ट्राइड टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन जैसे मेरी डिजायर थी स्विमिंग सीखना, तो इस फियर की ग्रिप जो थी वो मेरे माइंड पे शायद मेरी डिजायर से भी ज्यादा थी। 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कहता फाइनली आई डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, कहता मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर हायर करके जो है मैं स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, कहता एक पूल पे गया, इंस्ट्रक्टर को हायर भी किया और एक वीक में 5 days जो है मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, एन आर ईच डे, और हर दिन में 1 घंटा जो है मेरी ट्रेनिंग होती थी। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, कहता स्विमिंग कैसे थी, स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस प्रोसेस ऑल्सो, कहते मेरी बॉडी के साथ एक बेल्ट बांध दी जाती, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुले एंड दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, कहते उस बेल्ट के साथ एक रोप अटैच होती थी, रॉक जो थी एक पुली से, पुले जैसे पानी वगैरह बैल से खींचते थे तो एक पुली का यूज होता था, आपको पता होगा, तो वही पुली जो थी, कहता वो रस्सी उस पुली से निकलती थी, रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, कहता वो कहां तक जाती थी, एक ऊपर केबल लगी हुई थी वहां तक। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, कहता रोप का दूसरा सिरा, एक तो मेरी बेल्ट के साथ होता था और दूसरा इंस्ट्रक्टर के हाथ में। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आर आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कंटिन्यूसली वी डिड प्रैक्टिस, रोज की प्रैक्टिस ऐसी होती थी जैसे उस पूल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना फिर वापिस आना, कहता कई दिनों तक, हफ्तों तक हमने लगातार ये प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कहता लेकिन अब भी कंटिन्यूसली वैसा ही हो रहा था कि उस पूल के दूसरे सिरे तक जाते जाते जैसे ही मैं उसके सेंटर में होता तो वही डर जो था वो दोबारा से मुझे कंट्रोल कर लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर लैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कहते जैसे ही मैं पानी के बीच में होता तो वो इंस्ट्रक्टर जो था उस रॉक पे अपनी ग्रिप जो थी उसे कम कर देता। एंड आई वेंट अंडर, कहते इस वजह से पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, कहते वही पुराना डर जो था दैट रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी लेग्स जो थी बिल्कुल उनको पैरालिसिस हो जाता वहां पे। It was 3 months before the tension began to slack. कहता लगभग 3 months हो गए जैसे ये tension जो थी slack, it means कम होना शुरू हुई। Then he taught me to put my face under water and exhale. कहता फिर मेरे instructor ने मुझे सिखाया कि किस तरह से face जो है इसे पानी के अंदर रख के जो है वो सांस जो है, एक होता है inhale सांस लेना और एक होता है सांस बाहर निकालना, कहता किस तरह से exhale होगा। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरह से पानी से बाहर जो है वो अपने नोज को लाके और जो है सांस ली जाएगी। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कहता मैंने इस एक्सरसाइज को शायद सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, कहता धीरे धीरे वो डर जो मेरे दिमाग में था वो मैं शेड करने लगा, वो मेरे से अब दूर जाने लगा। When my head went under water, कहता जैसे ही मेरा सिर या पानी के अंदर होता तो जो डर पहले मुझे कंट्रोल करता था वो कम होना शुरू हो चुका था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. कहता next he held me at the side of the pool, कहता मुझे पूल के वो साइड पे लेके गया, had me kick with my legs, legs के साथ उसे किक करने के लिए कहा। For weeks I did just that, कहता जैसे ही उसके instructions थी वैसा मैंने किया कई weeks तक। At first my legs refused to work, कहता सबसे पहले तो मेरी legs जो थी उन्होंने refuse कर दिया कि वो काम ही नहीं करी। But they gradually relaxed and finally I could command them, कहता धीरे धीरे मैंने जैसे relax feel करना शुरू किया तो मेरी command जो थी मेरी legs ने follow करना शुरू कर दी। Thus piece by piece he built a swimmer, कहता in this way my instructor made me a swimmer, कहता piece by piece धीरे धीरे करके जो है वो मैं एक swimmer बना।
and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. कहते हैं एक एक पीस करके उसने मुझे सिखाया और जब ये सारे पीस जो है इकट्ठे किए उसने तो फिर मैं पूरी तरह से उसने मुझे एक स्विमर तैयार किया. इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम. कहता फर्स्ट ऑन फर्स्ट अक्टूबर वी स्टार्ट सॉरी इन फर्स्ट अक्टूबर कहता फर्स्ट अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया एंड इन अप्रैल अप्रैल में आते ही जो है अक्टूबर मीन इन अक्टूबर वी स्टार्टेड एंड इन अप्रैल माई इंस्ट्रक्टर सेड मी Now you can swim. कहता मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम तैर सकती हो. Dive off and swim the length of the pool. कहता आप इसमें dive करो और जो है इस pool की length जो है उसे cover करो. Crawl stroke. These are the strokes in swimming. जैसे crawl stroke होता है, breast stroke होता है, तो ये अलग अलग type के stroke हैं. I did. कहता मैंने ऐसा ही किया जैसे उन्होंने मुझे instructions दी. इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड कहता मेरे इंस्ट्रक्टर का वर्क जो था वो फिनिश हो चुका था बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड कहता बट स्टिल आई हैड फियर कहता डर तो अभी भी था कहीं आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल कहते अक्टूबर से अप्रैल तक तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ थी तो और मेरा डर कम होने लगा कहता लेकिन अब तो वो मेरे साथ नहीं होगी क्या अब भी वो डर वापिस आएगा जब कभी मैं स्कूल पे अकेला आऊंगा आई ट्राइड इट मैंने कोशिश की आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन मैंने दोबारा से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया और वापस भी आया टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ऑल टेरर वेस्टेजेस मींस रिमेन्स कहता वो छोटे छोटे जो रिमेन्स थे जो अभी भी हल्का फुल्का वो डर था वो रिटर्न कहता वो वापिस आया बट नाउ आई कुड फोन एंड से टू दैट टेरर ट्राई टू स्केयर मी ओ वेन हियर्स टू यू लुक And off I would go for another length of the pool. कहता but now I have courage to say to my terror. कहता लेकिन अब इतना हिम्मत थी मेरे में कि मैं उस डर को ये कह सकूं कि try to scare me कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो. Well here's to you. कहता देखो यहाँ तुम हो. And off I would go for another length of pool. कहता और इस तरह से उसे थोड़ा डरा के डर को जो है उसे धमकाते भी मैं कहता पूल की दूसरी तरफ जा सकता था. This went on until July. कहता जुलाई तक ऐसा ही चलता रहा. But I was still not satisfied. कहता still I was not satisfied with my performance. कहता मैं सीख चुका था, अकेला भी स्विमिंग करता था, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था. I was not sure that all the terror had left. कहता sure नहीं था कि मेरा डर जा चुका है. I went to Lake Wentworth in New Hampshire. Dived off a dock at Tricks Island and swam 2 miles across the lake to Stampack Island. कहता इस तरह से मैं Lake Wentworth पे गया, New Hampshire में. Dived off a dock at Tricks Island. कहता Tricks Island पे भी मैंने diving करके देखी. Swam 2 miles across the lake to Stampack Island. कहता Stampack Island जो है वहाँ पे 2 miles की distance जो है मैंने वहाँ भी cover की. I swam the crawl stroke, breast stroke, side stroke and back stroke. These are the strokes of swimming. Okay. तो मैंने हर स्ट्रोक को वहां पे ट्राई किया. Only once did the terror return. तो सिर्फ एक बार वो डर जो था वो वापस आया. When I was in the middle of the lake. तो जब मैं बिल्कुल लेक के सेंटर में था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. कहता व्हेन आई पुट माय फेस अंडर वाटर जैसे ही मेरा फेस जो था वो पानी के नीचे गया आई सॉ नथिंग देयर वाज ओनली वाटर द ऑल सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर कहता एक हल्का सा एक पल के लिए वो डर जो था दोबारा से आया आई लाफ्ड एंड सेड कहता मैं उस पे हंसने लगा एंड सेड और मैंने उस डर से कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी मिस्टर टेरर आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या कर सकते हो It fled and I swam. कहता और मेरे इतना कहने पे वो डर जो था वहां से गायब हो गया and I swam on. और मैं आगे की ओर तैरने लगा. Yet I had residual doubts. But still I had doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan, to Conrad Meadows. Up the Conrad Creek Trail to Midway Glacier and camped in the high meadow by the side of Farm Lake. Kata still to check myself
टू क्लियर माई डाउट्स, कहता अभी भी खुद को चेक करने के लिए या अपने डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करने के लिए, या जो मेरा बच्चा पूछा रहा है एसिड्यू लिट में जो बचे कुछ डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए मेरी जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, कहता फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलते मैं जल्दी से कहाँ पे गया, आई हरेड वेस्ट, वेस्ट की ओर चला गया, टिटॉन से कॉमरेड मीडोज तक गया, फिर कॉमरेड क्रीक पेल से ऊपर जो मोड ग्लेशियर थे वहां तक गया ना, क्रीक पेल टू मीडे ग्लेशियर, कहता मीडे ग्लेशियर तक गया वहां से, एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कहता और वार्म लेक के जो साइड जो थी वहां पे मैंने अपना एक कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, कहता नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड एंड dived into the lake and swam across to the other shore and then next morning I got ready, dived into a lake, lake mein kehta maine diving ki, swam across to the other shore, dusre sire tak main tair ke gaya and back wapis bhi aaya, just as dog or prawn used to do, kehta jaisa ki best swimmer maine dekha tha ki wo karta tha usi tarah se, I shouted with joy, kehta main khushi se chilla utha, and गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, कहता और गिलबर्ट पीक, जैसे आप पहाड़ी एरिया में जैसे जाके आवाज देते हैं तो वही आवाज उसकी इको जो है गूंज जो है हमें सुनाई देती है, कहता जैसे मैं चिल्लाया तो गिलबर्ट पीक से वो गूंज जो थी मुझे दोबारा सुनाई थी, आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कहता मैंने मेरे इस पानी के डर को जो है वो जीत लिया था, आई गॉट विक्ट्री ओवर इट, कहता मैं इसमें जीत हासिल कर चुका था, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, कहता दिस एक्सपीरियंस It had a deep meaning for me. कहता इसके मेरे लिए बहुत ज्यादा ये meaningful था ये experience. As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate it. कहता और शायद मेरे इस experience को वही लोग appreciate कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में किसी चीज से बहुत ज्यादा डर हो और बाद में उन्होंने उस डर को control भी किया. In death there is peace. कहता death जो है बहुत peaceful है क्योंकि death होने के बाद कोई pain feel नहीं होता. There is terror only in the fear of death. कहता डर कहाँ पे होता है? सिर्फ मरने से डर लगता है. कहता मरने के बाद कोई डर नहीं है, लेकिन there is fear of death. As Roosevelt knew when he said, कहता जैसा कि Roosevelt उसने कहा है, all we have to fear is fear itself. कहता हम सबको डर से डर चाहिए. All we have to fear is fear itself. कहता हम सबका डर क्या है? We have to fear is fear itself. कहता सिर्फ डर से डर चाहिए, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. कहता क्योंकि मेरे तो दोनों ही एक्सपीरियंस रहे थे, मैंने वो मौत की सेंसेशन भी बहुत करीब से देखी थी, मरने वाला ये जो डर था मैंने वो भी देखा था, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, कहता और वो डर भी देखा था जिस तरह से लोग मरने से डरते हैं, कहता वो डर भी मुझे था क्योंकि मैंने बिल्कुल मौत के करीब जाके वापिस आया था, और उस डर की वजह से आगे हम क्या फेस करते हैं वो भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस रह चुका था। The will to live somehow grew in intensity, कहता लेकिन फिर भी जीने की जो इच्छा थी किसी भी तरह की ये इच्छा जो थी शायद वो मेरे अंदर और ज्यादा इंटेंस होती गई और ज्यादा तेज होती। At last I felt released, कहता लास्ट में मैंने खुद को जो है बिल्कुल फ्री फील किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, कहता अब मैं जो है बिल्कुल फ्रीली जो है कहीं पे भी घूमने जा सकता था, ऊंची चोटियों पे घूमने जा सकता था, क्लाइम द पीक्स पहाड़ों की चोटियों पे पहुंच सकता था, एंड टू ब्रश असाइड फियर, कहता उस डर को दूर फेंकने की आजादी थी मेरे पास, कहता बिल्कुल फ्रीडम फील किया अब उस पानी से, मुझे आज कोई भी डर नहीं था। हे स्टूडेंट्स, विद दिस अवर लेसन इज कम्प्लीट, एंड आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको डाउट है आप जो है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।